नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। क्या आप जानते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड डालते हैं तो उस वक्त वो क्या क्या करते हैं और जो पैसे को जब्त करते हैं उन पैसों का क्या होता है। सोशल मीडिया पर कई फोटो वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि इनकम टैक्स की रेड में काफी पैसा जब्त किया गया। इस तरह की तस्वीरें अक्सर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि इनकम टैक्स की रेड में काफी पैसा, सोना वगैरह मिला है। इनकम टैक्स रेड में अधिकारी दबिश देते हैं और फर्जी संपत्ति की जांच करते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब इनकम टैक्स के अधिकारी रेड मारते हैं तो क्या होता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब हकीकत में इनकम टैक्स अधिकारी कहीं चेकिंग करने जाते हैं तो किस तरह से कार्रवाई होती है। साथ ही जानते हैं कि किस तरह पैसे जब्त किए जाते हैं और फिर जब्त किए हुए पैसे क्या करते हैं। इनकम टैक्स विभाग से रिटायर्ड राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि पहले तो ये तय किया जाता है कि कौन संदिग्ध है और किसके यहाँ रेड करने जाना है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सर्च वारंट जारी किया जाता है, फिर जांच के लिए टीम बनाई जाती है। जांच टीम में अलग अलग संख्या होती है, फिर टीम आती है और सर्च वारंट देती है। इसके बाद जहां सर्च ऑपरेशन जारी रहता है वहां किसी को भी उस परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, ना ही वो व्यक्ति फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। वैसे अधिकारी मौके पर स्थिति के हिसाब से और फैसला ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वॉशरूम भी जाना होता है तो आयकर अधिकारी की परमिशन लेना जरूरी होता है। कई बार सर्च ऑपरेशन लंबा चलता है तो खाने पीने के लिए भी रसोई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के यहाँ रेड मारी जाती है वहां से सामान जब्त करने के लिए भी कई नियम होते हैं। कंप्यूटर सहित और सामानों की जांच में सिस्टम की हार्ड डिस्क अपने साथ ले लेते हैं और कैश ज्वेलरी को जब्त कर लेते हैं। फिर जिन जिन सामान को जब्त किया जाता है उनकी जानकारी अगली पार्टी को भी दी जाती है और फिर उन्हें सत्यापित करवाया जाता है। तलाशी अभियान के बाद बयान भी दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापा मारा जाता है या छापा पड़ता है तो बेचने के लिए रखे सामान को जब्त नहीं किया जाता है। अगर जब्त संपत्ति की बात करें तो आयकर विभाग सबसे पहले उस पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं। इसमें कमिश्नर से जुड़े खातों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद पूरी संपत्ति आय की जांच होती है और उसके बाद टैक्स की हिसाब किताब भी किया जाता है टैक्स का, जिसमें जुर्माना भी शामिल किया जाता है। फिर टैक्स डिमांड की जोड़ गांठ होती है और फिर से ट्राइब्यूनल में सेट करती है और बचे हुए पेमेंट को वापस कर दिया जाता है। इनकम टैक्स विभाग के काम करने का तरीका हर बार एक जैसा नहीं होता, जरूरी नहीं हर बार एक ही तरह से कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी किसी एक अधिकारी का अनुभव है, विभाग की प्रक्रिया इससे अलग भी हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।